अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। मेरा नाम मोनिश है और ये बात उस रात की है जिस रात मैं अपने दोस्त के घर से पार्टी ख़त्म करके आ रहा था। मैं अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रहा था। मेरे आसपास का रास्ता एकदम शांत था और मेरे आसपास की हवा एकदम ठंडी ठंडी कपकपाती हुई चल रही थी, इसलिए मुझे भी बहुत ठंड लग रही थी और मेरा सर भी थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था। और उस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ और देर तक अपनी कार नहीं चला पाऊँगा, इसलिए मैंने एक जगह पर अपनी गाड़ी रोक दी। उसके बाद मुझे सामने एक घर दिखा। उस घर का नाम था वेलकम होम। मैंने सोचा कि क्यों ना आज की रात उस घर में बिताई जाए और सुबह उठ के मैं अपने घर चला जाऊंगा। इसलिए मैं उस घर की तरफ बढ़ा और जब मैं उस घर के ज़्यादा नज़दीक गया तब मुझे समझ आया कि उस घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला था और वो देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। लेकिन मेरा सर बहुत ही दर्द से फटा जा रहा था और मुझे थोड़ी सर्दी भी लग रही थी, इसलिए मैं बिना नॉक किए उस घर के अंदर गया। उसके बाद मैंने उस घर के मालिक को दो तीन बार आवाज़ दी, हेलो कोई है क्या, इस घर में कोई है क्या, हेलो कोई है क्या, लेकिन सामने से किसी का भी जवाब नहीं आया। और मैं सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था कि उस घर में कौन था और वो घर किसका था। अभी मैं कुछ और सोच ही रहा था तभी मुझे किसी की डरावनी आवाज़ सुनाई दी, वेलकम होम। ये आवाज़ सुन के मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं पर गिर गया। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब मेरी आँख खुली तब मैं किसी सुनसान जगह पर लेटा हुआ था। उसके बाद मैं उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, अरे कल रात तो मैं किसी के घर में था और सुबह होने के बाद अचानक मैं यहाँ कैसे आ गया, और यहाँ पर वेलकम होम नाम का घर था वो किधर गया। उसके बाद मैं वहाँ से भागकर हाईवे पर आ गया और फिर वहाँ पर पार्क की हुई मुझे मेरी गाड़ी दिखी और उसके बाद मैं सही सलामत अपने घर पहुँच गया। अब इस बात को 2 साल बीत चुके हैं लेकिन उस रात उस वेलकम होम नाम के घर में क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया।